भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया याचना के लिए लीजिए पृष्ठ संख्या 3, पेज 3। Thank you.
जीवितों के देश में
पाठ उसके अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताओगे। उस पर उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, हमारे जीवन को लेकर, समाज को लेकर और काम काज को लेकर हम अक्सर तमाम सवाल या प्रश्न अपने से या एक दूसरे से किया करते हैं। प्रभु यीशु ने भी अपने मिशन कार्य के दौरान तमाम लोगों से विभिन्न प्रकार से सवाल या प्रश्न किए, और आज का शुभ संदेश जहां एक महत्वपूर्ण संवाद है अपने शिष्यों को लेकर, ये संवाद जहां पर ना केवल शिष्यों के लिए वो संवाद रहा बल्कि ये संवाद हम लोगों के लिए भी था, जहां पर प्रभु ने अपने शिष्यों के दिल में उनके प्रति जो आस्था या जो दृष्टिकोण रहा उसकी परीक्षा प्रभु ने ली। दो सवाल अपने शिष्यों से प्रभु ने किए। पहला, लोग मुझे कौन मानते हैं, क्या समझते हैं, उनके दिल और दिमाग में मेरे प्रति क्या अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न जो कि शिष्यों के लिए अधिक व्यक्तिगत रहा, तुम लोग मुझे कौन मानते हो, मैं कौन हूं तुम लोगों के लिए। ऐसे सवाल
क्योंकि प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछे, लोग मुझे कौन मानते हैं। एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह प्रश्न और उसका जवाब दर्शाता है। समाज प्रभु को कौन मानती थी और शिष्यों ने समाज का दृष्टिकोण प्रभु के समक्ष रखा और कहा, कुछ लोग आपको यौहन बपतिस्मा मानती हैं और कुछ लोग आपको नबी एलिया मानती है और कुछ लोग नबियों में से एक मानती है। यानी लोग जानते थे कि प्रभु एक महान व्यक्ति है, लेकिन पूरी तरह से ये लोग प्रभु को समझ नहीं पाए कि सचमुच में प्रभु पिता ईश्वर का एकलौता पुत्र, जिन्होंने इस दुनिया में देह धारण कर लिया हमारे मुक्ति के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए, इस बड़े रहस्य को लोग सही मात्रा में समझ नहीं पाए। तो इसीलिए प्रभु के प्रति समाज का अलग अलग दृष्टिकोण रहा। यदि यही सवाल आज भी हम लोगों से पूछे या समाज से पूछे, अलग अलग दृष्टिकोण लोग हमारे समक्ष रखते हैं, कहते हैं कि प्रभु एक अच्छे गुरु हैं, एक अच्छे नैतिक शिक्षक हैं, एक आध्यात्मिक नेता हैं, विभिन्न प्रकार की एक छवि या एक आइडेंटिटी प्रभु की जैसे कि लोग समझ पाते हो, उस दृष्टिकोण से प्रभु को देखते हैं। लेकिन असली अर्थ में प्रभु का अस्तित्व या उनकी आइडेंटिटी ये रही कि वो ईश्वर के पुत्र थे, दुनिया का उद्धार करता थे, मसीहा थे, जो कि हमें मुक्ति देने के लिए इस धरती पर आए। ये रहा पहला सवाल, और ये सवाल के लिए आज भी शायद वही जवाब प्रभु को मिलेगी जैसे कि उस जमाने में समाज ने दी। दूसरा सवाल जो कि हम सबके लिए है कि तुम मुझे कौन मानते हो, मेरे बारे में तुम लोग क्या कहते हो, और यह प्रश्न शिष्यों के लिए व्यक्तिगत प्रश्न रहा। और पेत्रुस उस सवाल को जवाब देते वक्त कहते हैं, आप मसीहा हैं, और यह जवाब सटीक थी, सही रही। लेकिन इस जवाब देने के बाद भी पेत्रुस छूट गया, समझ नहीं पाया प्रभु को संपूर्ण रूप में। पेत्रुस भी चाहता था कि प्रभु एक राजनैतिक नेता हो जो कि रोमी सरकार के गुलामी से प्रजा को मुक्ति देने वाला एक मार्ग, एक दिशा निर्देश देने वाला। उस उत्पीड़न के समय में पेत्रुस भी चाहता था कि प्रभु ऐसे नेता निकल आए, लेकिन प्रभु पेत्रुस को अपना सही आइडेंटिटी, सही अस्तित्व समझाते हैं कि उन्हें यरूशलेम जाना होगा, वहां वे अधिकारियों के हवाले कर दिए जाएंगे, उनको बहुत ही सताया जाएगा, उन्हें मार डालेंगे। लेकिन प्रभु ये भी कहते हैं, मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद मैं दोबारा पुनर्जीवित उठूंगा। यदि प्रभु हम लोगों से सवाल आज के दिन ये कहते करते हैं कि आपको मैं कौन हूं, प्रभु हम लोगों के लिए कौन है, क्या हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं,
क्योंकि प्रभु ने शिष्यों को क्रूस और पुनरुत्थान का मार्ग की परिचय दी। मानव पुत्र को बहुत ही दुख उठाना होगा, प्रधान याजकों के समक्ष उन्हें खड़ा कर दिया जाएगा और शास्त्रियों के बीच वे टुकराए जाएंगे, मारा जाएंगे और तीसरे दिन पुनर्जीवित किया जाएगा। जब पेत्रू सही रूप से प्रभु को समझ नहीं पाया, पेत्रुस ने जब प्रभु की आइडेंटिटी को सुना, पेत्रुस कहता है प्रभु ऐसे आपके साथ ना हो पाए, तो प्रभु पेत्रुस को शैतान कहते हैं, शैतान मेरे सामने से हट जा, क्योंकि तू ईश्वर की नहीं लेकिन मनुष्य के विचारों के साथ ये सवाल, ये जवाब या ये रोग जो है मिशन के प्रति तुम समझाते हो, ये शैतान का कार्य है। और पेत्रुस को ये बहुत ही बड़ी चेतावनी रही, क्योंकि जब प्रभु अपना मार्ग को समझा रहे थे पेत्रुस, पेत्रुस ने यह कोशिश की प्रभु को रोकने के लिए। हम लोग भी प्रभु को जानते हैं, लेकिन यदि प्रभु हमसे सवाल करेंगे कि मैं आपके लिए कौन हूं, हो सकता है हमारे समस्याओं को हल करने वाला एक वैद्य, हो सकता है बार बार हमारे दुआओं को सुनने वाला एक गुरु, हो सकता है कि हमारे समाज को या हमारे जीवन को दिशा निर्देश देने वाला एक उद्धारकर्ता। लेकिन प्रभु अपने शिष्यों से ये चाहते हैं कि बहुत कुछ जीवन में हमें नकारना होगा। यदि क्रूस को हमें गले लगाना है, तमाम कुर्बानियों को हमें अपनाना होगा, जीवन में हमें संघर्ष करना है, काफी संबंधों को लेकर कठिनाइयों का हम लोग महसूस करते हैं, आर्थिक संघर्ष हमारे समक्ष खड़े होते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में क्या हम आत्मत्याग करके उस प्रभु को, जैसे कि बाद में पेत्रुस ने अपनाया कि हम अपनाने को तैयार हैं, और आत्मत्याग का आह्वान जो है हम लोग पढ़ते हैं पवित्र वचन में, जो अपना जीवन को बचाना चाहता है प्रभु कहते हैं वो खो देगा, और जो मेरे सुसमाचार के लिए अपना जीवन खो देता है वह जीवन पाएगा। क्या सचमुच में हम इस पवित्र वचन को लेकर हमारे जीवन में आत्मत्याग के लिए तैयार होते हैं? हमारा जीवन आधुनिक समाज में अधिकार के लिए, धन संपत्ति कमाने के लिए या जीवन में सुखी रहने के लिए हम लोग बहुत ही प्रयास करते हैं, लेकिन इन प्रयासों के बीच प्रभु का चुनौती यह है जो अपना जीवन बचाना चाहता है वो खो देगा, और जो सुसमाचार के लिए अपना जीवन बिताता है या खो देता है वह जीवन पाएगा। इसलिए सवाल यह होगा, क्या हम अपने दैनिक रूप को उठाने के लिए, उसे गले लगाकर प्रभु का पीछा करने के लिए हम तैयार हैं? एक बड़ा सवाल के लिए जवाब आज के दिन हमें ढूंढना होगा। दूसरे महायुद्ध के दौरान पोलैंड में जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप रहा, वहां तमाम लोगों को बंदीगृह में डाल दिया गया था, और वहां से एक कैदी जब फरार हुआ
तो 10 लोगों पर उनको कत्ल करने के लिए आदेश सरकार ने दिया कि उनको मार लिया जाए, एक फरार हुआ तो 10 लोगों को मार लिया जाए। तो उस वक्त उन 10 लोगों में से एक कैदी अपने अधिकारी से भीख मांगने लगा, मेरे पास परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे नहीं मारना, मुझे क्षमा करना। तो उस वक्त एक पुरोहित जो कि वहां पर खड़ा था, वो सामने आकर उस अधिकारी से कहता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए मरने को तैयार हूं, मैं इस व्यक्ति के लिए मरने को तैयार हूं। और जब अधिकारी ने उससे सवाल किया, तुम कौन हो, और उसका जवाब रहा, आई एम ए कैथोलिक प्रीस्ट, मैं एक कैथोलिक पुरोहित हूं। उस परिस्थिति में से मैक्सिमिलियन कोल्बे ने खड़े होकर उस अधिकारी के समक्ष ये कहा, आई एम ए कैथोलिक प्रीस्ट। धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ अपनी आइडेंटिटी को उसके समक्ष रख पाया और कुर्बान कर दिया अपना पूरा अपना जीवन को दूसरे व्यक्ति के छुटकारा के लिए। यानी जब प्रभु हम लोग उनसे पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, क्या हम मैक्सिमिलियन कोल्बे के समान अपना उस क्रूस को गले लगाना चाहते हैं जहां हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो? तो इसलिए हमारे जीवन में एक निष्कर्ष हमें पाना है। जब प्रभु हम लोगों से ये सवाल कर लेते हैं, तुम मुझे कौन मानते हो, मैं तुम लोगों के लिए कौन हूं, क्या हम उस प्रभु को साक्षी देने के लिए तैयार होते हैं? अपने परिवार में, अपने समाज में जब हमारे प्रति तमाम सवाल लोग खड़े कर देते हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं सचमुच में कि मैं प्रभु का शिष्य हूं, अनुयायी हूं, कि प्रभु यीशु मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता मानता हूं? बपतिस्मा पाने से, दृढ़ीकरण पाने से या कुछ धर्मी होने से हम प्रभु को नहीं पहचानते। शायद जानते होंगे हम लोग प्रभु के बारे में, इंफॉर्मेशन तो शायद हम लोग उनके पास होगा सुसमाचार को लेकर या प्रभु को लेकर, लेकिन उसको गवाही देने के लिए शायद वो धैर्य साहस हम लोगों के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उन शिष्यों के समान, उस समाज के समान हम भी अभी भी शायद प्रभु से पूर्ण रूप से परिचित नहीं है। उसको जवाब देने के लिए जब प्रभु हमसे पूछेगा, मैं तुम लोगों के लिए कौन? आज के पूरे दिन हम लोग इस सवाल पर जरा सा मनन चिंतन करें। यदि मेरा बेटा या बेटी मुझसे ये सवाल करेगा या करेगी, प्रभु आप लोगों के लिए कौन है, आपका जवाब क्या होगा? हमारे बच्चे यदि कोई दूसरे बच्चे इन लोगों से सवाल करेंगे, प्रभु यीशु आपके लिए कौन है, हमारे बच्चों का जवाब उन बच्चों के लिए क्या होगी? सबसे बड़ी जवाब जो है माता मरियम देती है। इसलिए संत योहन्ना का 19वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जब प्रभु क्रूसित हुए, उस कठोर मृत्यु के दौरान वो मां क्रूस के तले खड़ी रही, मृत्यु के बाद भी उस क्रूस को, क्रूस से अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को अपने गोद में उन्होंने संभाला और प्रभु का दफनाने के वक्त वहां पर खड़ी रही। पुनरुत्थान के बाद भी ये मां शिष्यों को अपना साथ देकर प्रभु के लिए गवाही रही। शायद
भारत की कलीसिया के लिए ये मां ने सुसमाचार का प्रचार किया है, गवाही की है कि जिस पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, जिसकी जननी रही, उन्होंने गवाही की है कि उस पुत्र के कुर्बानी के दौरान इस मां ने उनका साथ दिया। तो इसलिए आज के दिन हम लोग संतप्त धन्य कुंवारी माता मरियम का त्योहार मनाते हैं। और हमारे क्लोसियन धर्म बहने दुखी मां को, माता मरियम को, संतप्त माता मरियम को अपना संरक्षिका मानते हैं और उनके जीवन के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प दृढ़ निर्णय हमारे इन धर्म बहनों ने जब अपने आप को उन्होंने प्रभु के और मसीहा की कलीसिया के लिए समर्पित किया, उस जीवन को जीने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोगों से एक सवाल है कि कितने लोग प्रभु से अनुग्रहित होना चाहते हैं, हाथ उठाइएगा। कितने लोग प्रभु से अनुग्रहित होना चाहते हैं? लोगों के पास हाथ भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। कितने लोग प्रभु से अनुग्रहित होना चाहते हैं, हाथ उठाइए। बहुत लोग शर्मिंदा है यहां पे कि प्रभु से अनुग्रहित नहीं होना चाहते, इसलिए हाथ नहीं उठाते। खड़े हो जाइएगा जो लोग प्रभु से अनुग्रहित होना चाहते हैं। कुछ लोग हिचकिचाते हुए खड़े हुए, कुछ लोगों ने अपना हाथ हिचकिचाते हुए उठा लिया। ये भी नहीं चाहते हैं कि प्रभु से आप लोग अनुग्रहित हो। और यही सवाल एक पुरोहित ने अपने पल्ली में लोगों से पूछा, सबों ने हाथ उठाया। यहां इस पल्ली में सब लोग हाथ भी उठाते नहीं। दूसरी बार उन्होंने सवाल किया कि कितने लोग प्रभु से अनुग्रहित होना चाहते हैं, पुरोहित तो उठाते भी नहीं हाथ। कितने लोग अपना प्रभु से अनुग्रहित होना चाहते हैं, दोबारा उन्होंने हाथ उठा लिया। उसके बाद पुरोहित ने उनको एक चित्र दिखाया पियता का। आप लोग जानते होंगे पियता, जहां पर माता मरियम अपने मृत पुत्र के शरीर को गोद में लिए एक बहुत ही गहरे सोच में उस मां को दर्शाया है। दुख, आनंद, सांत्वना, तसल्ली, शांति और विशेष रूप से दया की मूर्ति उस चित्र में दर्शाया है। पुरोहित ने जनता से कहा, यदि आप लोग अनुग्रहित होना चाहते हैं, इसके लिए भी तैयार हो जाओ। इतना दुख सहने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ जैसे कि माता मरियम तैयार हुई। बैठ जाइए। केवल कैनोसियन धर्म बहने कड़े रहे। सिस्टर्स, do you really want to be blessed by God? Raise your hands. If you really want to be blessed by God, then you need to be the blessed mother for this world. आप लोगों को माता मरियम को अनुकरण करना है, जहां माता मरियम दुख सहते सहते प्रभु के लिए साक्ष्य दे पाए। You need to be the real Pieta. तभी हम इस माता मरियम की, संतप्त धन्य माता मरियम का इस त्योहार को मना पाते और प्रभु से अनुग्रहित होकर उस प्रभु के लिए हम लोग साक्ष्य दे पाते। सवाल यही होगा हम सबसे प्रभु का, आपके लिए मैं कौन हूं? आपके दिल में मेरी आइडेंटिटी क्या है? जनता यदि सवाल करेगी कि प्रभु यीशु आपके लिए कौन है,
आपका जवाब क्या होगा। और माता मरियम ने वो जवाब अपने पार्थिव शरीर पुत्र के शरीर को गोद में रखकर उस सांत्वना को, उस दया को दुनिया को दर्शाया गई। वो मां हम लोगों के लिए दुआ करेगी, हम लोगों की रक्षा करेगी, हमें सभा देगी और आशीष प्रदान करेगी। आमीन। सभी खड़े हो जाएं। और
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को न्यौछावर कर दिया। धन्यवाद देते हैं माता मरियम के लिए जिन्होंने प्रभु का साथ दिया और मुक्ति योजना में अपना दायित्व निभाया है। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए और इस कलीसिया पर तेरी दया के लिए प्रभु हम आपको आभार प्रकट करते हैं। प्रभु आज के दिन हमारे आवश्यकताओं को लेकर हम विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं। प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। ईश्वर से अधिकार प्राप्त हमारे संपिता के लिए, सभी धर्माध्यक्षों के लिए, विशेषकर हमारे बरेली धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष जी के लिए, सभी पुरोहित भाइयों एवं धर्म बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, तूने ही नहीं हमारे बीच से चुना है, तू ही नहीं शारीरिक और आत्मिक बल प्रदान कर जिससे ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अंधकार की शक्तियों पर विजय पाए और कलीसिया के मार्गदर्शन होने के नाते सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों की आध्यात्मिक भलाई के लिए अथक परिश्रम करते हुए अपने प्रेरणादायक वचनों के द्वारा ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। के पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी संरक्षिका संत मक्तलीना से प्रेरणा पाकर उसी उत्साह के साथ लोगों की सेवा कर सकें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य एवं आत्मिक बल प्रदान कर ताकि वे इस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकें और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए जो इस समय परीक्षा दे रहे हैं और देने वाले हैं, प्रभु उनका पथ प्रदर्शन करें, उनकी मदद करें, न केवल इस परीक्षा में बल्कि जीवन की उन अनेक परीक्षाओं में जो उनके सामने आएंगी, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर केंद्रित हो, उनकी घबराहट चिंताओं को आप दूर करो, जो कुछ भी वे पढ़ें उसे याद रखने में और प्रश्नों को सर्वोत्तम उत्तर देने में उनकी आप सहायता करें, साथ ही उनके व्यक्तित्व का सही विकास हो, उनकी अच्छी देखरेख उनके माता पिता व अभिभावक द्वारा हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि डाल, तो चाहता है कि यह अनंत जीवन की ओर बढ़ती जाए, इसलिए इस लोक की सुख सुविधाओं से भी इसकी तू सहायता कर। प्रभु अपनी प्रजा पर आशीष बरसा, यह हानिकारक वस्तुओं से बची रहे और मनवांछित वरदान प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु तुम स्वीकार करो ये मेरा
जीवन है, प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो।
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु हमारी याचना पर कृपा दृष्टि डाल और दया पूर्वक अपने सेवक सेविकाओं के दान स्वीकार कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो विभेद चढ़ाई है वह सबकी मुक्ति में सहायक हो। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। तू जित उसके गौरव से
आज उसका शोक है, जय घोषों से स्वर्ग धराए गूंजित उसके गौरव से, आज उसका शोक है, जय घोषों से जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो, जय हो जय हो जय हो, प्रभु राजा की जय हो, धन्य वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह और शाम, धन्य वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह और शाम, अपनी जीवन वीणा से गूंजाते हैं, जय हो जय हो जय हो, चौदिश प्रभु की जय हो, जय हो जय हो जय हो, चौदिश प्रभु की जय हो, चौदिश प्रभु की जय हो, चौदिशी प्रभु जय भाव, चौदिशी प्रभु जय भाव, प्रभु का नाम है अति पावन। प्रभु को वास्तव में पवित्र है, यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तुम अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो सभी भूमि अपनी प्रजा एकत्र करता है कि तसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल प्रति चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए, उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और पापों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह
विश्वास का रहस्य। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु क्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
दाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सफल होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे जमीन पर भी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गाली जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के निमित्त जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के निमित्त जो संसार के पाप पर लेता है हम पर दया कर। ईश्वर के निमित्त जो संसार के पाप पर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे
मार्ग तू जाते तू जीवन दाता तू दिल में आजा अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुआरी मरियम के दुखों का स्मरण करते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि प्रभु क्रिस्त के दुख भोग में जो कभी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूरा करें। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा प्यारी माँ।